नमस्कार दोस्तों, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में जो इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाले हैं। अब दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके के हालात हैं, स्मार्टफोन के लॉन्चेस कैंसिल हो गए हैं, आगे कब लॉन्च होंगे पता नहीं, लेकिन दोस्तों अब लगता है कि शायद अप्रैल एंड तक बहुत सारे स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होंगे। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डालेंगे उन सब पे नज़र कि भाई क्या लीक्स हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आइए पता लगाते हैं, शुरू करते हैं हम टेक की बात, कैडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये जो लिस्ट है काफी लंबी है, बिकॉज बहुत सारे जो लॉन्चेस थे वो कैंसिल हो गए थे, तो वो भी अब दोस्तों शायद अप्रैल में लॉन्च होंगे। और यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो दोस्तों बेस्ड अपॉन लीक्स है, तो शायद वो सही हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते, लेकिन दोस्तों हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम यहाँ पे लीक्स सच होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम पता लगाते हैं कि भाई पहला फोन कौन सा है। जी हाँ, आईफोन की तरफ से आईफोन 9 एंड 9 प्लस। अब दोस्तों ये जो फोन है ये मार्च के महीने में लॉन्च होने वाला था, लेकिन अब लगता है कि शायद ये अप्रैल 14 को लॉन्च हो। जी हाँ, वही डेट जिस पे दोस्तों OnePlus की जो 8 सीरीज है वो भी लॉन्च हो रही है, तो उसके बारे में हम आगे जाकर के बात करेंगे। वैसे अगर iPhone 9 पे नजर डालें तो दोस्तों बहुत ही सिंपल डिजाइन है, सिंगल कैमरा है शायद यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का, और उसके बाद आपको यहाँ पे वो होम बटन देखने को मिल जाएंगे। बेजल्स के नाम पे 2020 लाइक कुछ भी नहीं है, अच्छे खासे बेजल्स हैं, और वही दोस्तों पुराने फॉर्म फैक्टर में जो नया प्रोसेसर है वो डाल करके यहाँ पे आईफोन हमें दे रहा है। तो देखते हैं, शायद सस्ता होगा तो लोग वह खरीद लें, बिकॉज भाई इसमें iOS है। लेकिन अगर आप डिज़ाइन के बारे में जाओ तो मुझे यहाँ पे कुछ भी ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं लग रहा है, बट फिर भी आईफोन के बारे में क्या है ना कि भाई कुछ भी बना दो शायद लोग वह खरीद ही लेंगे, है ना। आपका क्या कहना है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब इसी के साथ साथ दोस्तों जो नेक्स्ट फ़ोन है वो है OnePlus 8 एंड 8 Pro। एंड दोस्तों यहाँ पे अब अप्रैल 14 जो है वो डेट निकल के आ चुकी है कि आपको इस दिन जो है OnePlus 8 एंड 8 Pro का लॉन्च तो देखने को मिल जाएगा, लेकिन मुझे पता नहीं है कि भाई कितने लोग इसकी अनबॉक्सिंग कर पाएंगे, बिकॉज लॉकडाउन की वजह से दोस्तों ये डिवाइस हमारे पास तो शायद पहुंचेगा नहीं, एंड कितनों के पास पहुंचेगा ये भी अभी देखने की बात है। एंड इन दोनों ही फोन्स में दोस्तों आपको जो स्नैपड्रैगन 855 5G प्रोसेसर है वो मिल जाएगा, सॉरी 865 5G प्रोसेसर है वो मिल जाएगा। एंड इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अब आपको जो दो वेरिएंट है उसमें कुछ डिस्प्ले में दोस्तों आपको फर्क देखने को मिलेगा। तो 120 हर्ट्ज विद क्वाड HD डिस्प्ले दोस्तों जो प्रो वर्जन उसमें मिलेगा, और जो नॉर्मल वेरिएंट है उसमें आपको 90 हर्ट्ज के डिस्प्ले रहेगा, फुल HD वर्जन वाला जो डिस्प्ले है वो मिल जाएगा। सुपर एमोलेड दोस्तों ऑफकोर्स दोनों ही डिस्प्लेस होंगे, और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे दोस्तों LPDDR5 मिल जाएगा जो प्रो वर्जन है वहाँ पे, और उसी के साथ साथ 4X जो LPDDR4 है से UFS 3.0 के साथ वो दोस्तों आपको मिल जाएगा नॉर्मल वेरिएंट में। अब कैमरा दोस्तों यहाँ पे आपको 48+48 मेगापिक्सल का मतलब ऑलमोस्ट सेम मिल रहा है, एंड इसी के साथ साथ आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है। इस बार दोस्तों आपको पॉपअप कैमरा भी नहीं मिल रहा है जो प्रो वर्जन है उसमें। अब यहाँ पे दोस्तों जो चार्जिंग वगैरह है वो 30T की, इसमें आपको 50W की चार्जिंग शायद ना देखने को मिले, एंड जो प्रो वर्जन है शायद उसमें आपको IP68 जो वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों जो नेक्स्ट फोन है वो है पिक्सल 4a, एंड ये भी दोस्तों जो लॉन्च होने वाला था लेकिन इसकी भी लॉन्च डिलेड हो चुकी है। एंड यहाँ पे अब पिक्सल 4 तो दोस्तों इंडिया में आया ही नहीं, बिकॉज वो सेंसर वगैरह इंडिया में अलाउड है नहीं, लेकिन 4a शायद आ सकता है, एंड शायद क्या आएगा ही आएगा। और इसमें दोस्तों आपको स्नैपड्रैगन 730 का प्रोसेसर मिल जाता है, जी हाँ नॉन जी 730, एंड उसी के साथ साथ आपको 12 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। एंड ये दोस्तों सिंगल कैमरे के साथ ही आएगा, लेकिन हम सभी जानते हैं राइट, पिक्सल सिंगल कैमरे से भी ऐसी फोटोज खींच सकता है जो बहुत सारे कैमरा के जो स्मार्टफोन्स होते हैं वो 4 कैमरे से भी नहीं खींच पाएगा। ऑफ कोर्स आपको अल्ट्रा वाइड नहीं मिलेगा, लेकिन फोटोज के बारे में दोस्तों यहाँ पे शायद आपको कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत ना हो। हाँ, फॉर द प्राइस अगर आप स्नैपड्रैगन 730 देखें तो बहुत ज्यादा होने के यहाँ पे चांसेस हैं, और अभी जो GST के कारण जो प्राइस हाइक हुए ना, मुझे किसी भी अपकमिंग स्मार्टफोन पे वो एग्रेसिव प्राइस रेंज की कोई भी संभावना नहीं देखने, मतलब मुझे नहीं लगता कि भाई होगा। वैसे हमने दोस्तों GST प्राइस हाइक पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, मैं आपको उसके लिंक भी इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, तो आप उस पर भी जरूर नजर डालें। अब इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फोन की तरफ जो आप देख सकते हो, एंड रेडमी का जो K30 Pro है दोस्तों वो ऑलरेडी चाइना में लॉन्च हो चुका है,
एंड शायद हम सोच रहे थे कि वो पोको F2 बन करके इंडिया आए, लेकिन कंपनी का दावा है कि भाई पोको F2 रीब्रांडेड नहीं होगा, तो शायद पोको X2 प्रो हो सकता है। जी हाँ, तो यहाँ पे दोस्तों आपको वहाँ पे फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 20 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा और 33 वॉट की जो चार्जिंग है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो बहुत ही प्यारा फोन है एंड इंडिया में दोस्तों शायद बहुत ही जल्द लॉन्च हो पोको ब्रांड के अंदर। अब नेक्स्ट फोन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है नूबिया रेड मैजिक 5G। एंड सबसे पहले तो दोस्तों इसका जो डिज़ाइन है ना, बहुत ही एकदम गेमिंग ओरिएंटेड डिज़ाइन है, बहुत ही एकदम ढिंचैक कलर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और मुझे दोस्तों बहुत अपीलिंग लग रहा है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, 144 हर्ट्ज का जो डिस्प्ले है दोस्तों वो आपको मिलेगा गेमिंग के लिए। अब मैं यही चाहता हूँ कि भाई जो नए गेम्स अपडेट आए ना वो एटलीस्ट 90-120 हर्ट्ज, जैसे पबजी दोस्तों अब उसको काम कर देना चाहिए इस पर्टिकुलर रिफ्रेश रेट की तरफ काम करने के लिए। एनीवेज, ये दोस्तों जो फोन है इंडिया में कब लॉन्च होगा अभी तक तो इसका आइडिया नहीं है, लेकिन शायद बहुत ही जल्द लॉन्च हो। अब दोस्तों नेक्स्ट फोन जो इंडिया में लॉन्च हो सकता है Xiaomi की तरफ से वो है मी 10। एंड यहाँ पे भी दोस्तों आपको वही फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर देखने को मिलता है, मतलब फ्लैगशिप्स ही फ्लैगशिप्स होने वाले हैं अप्रैल और मई के महीने में। एंड यहाँ पे दोस्तों 108 मेगापिक्सल का कैमरा होगा और शायद मी नोट 10 प्रो ही दोस्तों इंडिया में लॉन्च हो। एंड यहाँ पे आपको डिजाइनिंग बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, डिस्प्ले दोस्तों बहुत ही प्यारा है एंड लिटरली इस फोन का मैं बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। और अगर सब ठीक रहता तो शायद इस फोन को यूज़ भी कर रहे होते, लेकिन कुछ नहीं यार, कोई बात नहीं, थोड़े दिन की बात और है, सब ठीक हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। और जब ये फोन लॉन्च होंगे ना, आप और हम मिल करके एकदम मज़ेदार वीडियोस बनाएंगे और देखेंगे, है ना। एनीवेज, अब बढ़ते हैं दोस्तों हम थोड़े से बजट ओरिएंटेड फोन्स की तरफ और सबसे पहले डालते हैं Realme Narzo पे नज़र। और ये फ़ोन दोस्तों 26 मार्च को लॉन्च होने वाला था एंड अब जहाँ तक है दोस्तों ये Realme 6i का रीब्रांडेड वर्जन आप समझ लीजिए इंडिया में जो आएगा। एंड अभी 10 और 10A का दोस्तों बहुत सारे आपको देखो यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस ऑलरेडी पता ही होंगे। अब इसमें दोस्तों डिज़ाइन वगैरह वही Realme टाइप आपको देखने को मिल रही है, जैसे कि हमें जो लॉन्च के पोस्टर्स है उसमें पता चल जाता है। एंड अगर आपने मुझे Instagram पे लाइव फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि मेरे पास डिवाइस है, तो मैं इस पर और ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, नहीं तो क्या है ना कि शायद ब्रीच ऑफ एम्बार्गो हो जाए। तो ये दोस्तों मैं ज़रूर बताऊंगा कि अब शायद इसका अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं आया, हम डायरेक्टली इसका 30-day रिव्यू करें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज जैसे ही ये फ़ोन लॉन्च होगा ना आपको रिव्यू मिल जाएगा, ट्रस्ट मी। अब नेक्स्ट फोन दोस्तों ऑलरेडी इसका ग्लोबल लॉन्च हो गया है, इंडिया में पहले लॉन्च होने वाला था जो कि है Vivo V19, लेकिन ग्लोबल लॉन्च हो गया है। स्नैपड्रैगन 710 का शायद इसमें प्रोसेसर है और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे डुअल जो सेल्फी कैमरा मिल जाते हैं पंच होल में, एंड वहाँ पे दोस्तों एक वाइड एंगल कैमरा है और आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है। इसी के साथ साथ नाइट मोड और सुपर स्टेबल वीडियो मोड दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब कंपेयरिंग द प्राइस दोस्तों यहाँ पे जो कैमरा है वो शायद बहुत अच्छा हो, लेकिन जो प्रोसेसर है उस पर मतलब इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन डिस्प्ले दोस्तों यहाँ पे आपको एमोलेड मिल जाएगी, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। तो वीवो भी दोस्तों जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा इस फोन को जरूर लॉन्च कर रहा है। अब इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट फोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है सैमसंग की तरफ से इस पर्टिकुलर बजट ओरिएंटेड सीरीज में, वो है M41। जी हाँ, M31 आ गया, M21 आ गया और अब बात है दोस्तों M41 के आने की। एंड आई थिंक सो इसमें भी Exynos 9611 हो सकता है, लेकिन शायद वो पंच होल डिस्प्ले हो एंड इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है मुझे इस डिवाइस से, लेकिन क्या पता शायद सैमसंग इस बार बहुत ही अच्छा कर जाए, कुछ तो ज़्यादा पता नहीं है। और इस डिवाइस का दोस्तों हम बोलेंगे कि यार जब आएगा तब इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेंगे। अब दोस्तों ये जो पर्टिकुलर फोन्स हैं और लिस्ट काफ़ी लंबी हो चुकी है और इसी के साथ साथ दोस्तों अब Huawei के भी कुछ फ़ोन्स आने वाले हैं, ऑनर के भी कुछ फ़ोन्स आएंगे इंडिया में, तो अभी क्या है ना कि इस लिस्ट को थोड़ा पॉज करते हैं, बिकॉज शायद उसके बारे में अभी आगे जाकर के देखते हैं कि वो कब आएंगे क्या आएंगे। अभी के लिए फिलहाल दोस्तों ये लिस्ट मुझे बहुत अच्छी लग रही है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि भाई बजट सीरीज में भी बहुत कुछ लॉन्च होने वाला है एंड फ्लैगशिप सीरीज में भी बहुत कुछ लॉन्च होने वाला है, लेकिन यार वो GST है ना कहीं खटक रहा है। तो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके व्यूज़ और मेरे व्यूज़ क्या एक ही हैं, लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। अब इन सारे फोन्स में से आप किसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पोल मैं यहाँ पे कर नहीं सकता बिकॉज लिस्ट बहुत लंबी है, तो कमेंट का इंतजार करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, हमारे चैनल GT हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना, और अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।